मैं हूं नुमान राजपूत, आप देख रहे हैं लर्न विद नुमान। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम कैनवा यूज़ करते हुए एक कार्टूनिस्ट वीडियो कैसा सा बना सकते हैं। सबसे पहले हम कैनवा ओपन करेंगे और यहां पर हम वीडियो पर आएंगे। ये वीडियो है, इसके ऊपर जस्ट वन क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो बाय डिफॉल्ट ड्यूरेशन होती है 5 सेकंड होती है और यहाँ पे भी शो हो रही होती है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने किस तरह की इमेज बनानी है, किस तरह की वीडियो बनानी है। तो उसके लिए हम ब्लैंक लेते हैं कि जब हमने अपनी पसंद से बनानी है कोई चीज़ तो खाली चीज़ अच्छी होती है कि हम उसको खुद से फील करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं एलिमेंट्स पर आऊँगा, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ब्यूटीफुल स्ट्रीट। और यहाँ पे मैं ग्राफिक्स के अंदर जाऊँगा, सियाल्स करूँगा और मुझे जोन से भी अच्छी लगेगी वो वाली मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। अगर मुझे स्पोर्ट्स ये अच्छी लग रही है, मैंने इस पर क्लिक किया और इसको यहाँ पे रखूँगा, इसको फुल साइज़ कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से पकड़ के भी बड़ा कर सकते हैं। और ये चीज़ हमारी आ गई है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, इसको बैकग्राउंड इमेज कहते हैं। अगर अब आपको यहाँ पर कोई चीज़ को मूव करवाना है, वो किस तरह से करवाना है वो भी बताता हूँ। आपने यहाँ पर बॉय ऑन बाइक, ठीक है, तो बॉय ऑन बाइक कर दिया मैंने। अब ये हमारे पास बाईसाइकिल आ रहा है, ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आ रहा है, तो हम पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को रख लेते हैं या ये छोटे बच्चे रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको किसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को। यहाँ पर इसका साइज छोटा करेंगे अकॉर्डिंग टू सेटिंग है इस बैकग्राउंड के, उसके साथ मैच होना चाहिए। ये ना हो कि बहुत बड़ा हो तो वो ओवर लगता है। ठीक है, तो अब इसको मूव कैसे करवाएंगे हम, इस इमेज पे क्लिक करेंगे हम और इसको एनिमेट पे जाएंगे। ठीक है, एनिमेट करने के लिए यहाँ पे हमने अपीयर ऑन क्लिक पे क्लिक कर देना और यहाँ पे क्रिएट एनिमेशन हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, ये होता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने ये इसको ऐसे कर दिया, अब ये देखो ये हवा में उड़ के चला गया। ठीक है, अगर मैं प्ले करके भी दिखाऊं तो ये चीज़ इस तरह से होती है, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है। तो इस पर मैंने क्लिक किया और इसको बिल्कुल स्मूथली आपने लेके जाना है कि आपकी ये जो लाइन मूविंग है वो ख़राब ना हो। ठीक है, इसको सारे को ले गए, ये देखें वो जा रहा है। तो इस तरह से आपने ये जो थोड़ी सी भी गलतियां हो रही है ना, तो ये भी नहीं करनी, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाना है इसको। ये कोशिश करना है कि ये सीधा सीधा ही जाए। ठीक है, और इसको यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया और इसको हमने क्या करना है, स्मूथ पे क्लिक करना है ताकि बिल्कुल स्लो जाए और ईजी जाए। अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी स्पीड तेज़ कर देंगे, जितनी आप स्पीड करेंगे ये उतनी तेज़ी से ये जाता जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि इसको स्पीड हमने किस तरह से मेंटेन करनी है, कैसे रखनी है। अब हम एक और लेते हैं लेयर, ये भी 5 सेकंड की है, तो यहाँ पे वही हम लेते हैं ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स लेंगे कि हमें एक और जगह चाहिए जहाँ पे ये चीज़ मूव होती हो नज़र आए। तो हम ये वाली लेते हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको क्लिक करेंगे और साइज इसका फुल कर देंगे। यहाँ पर भी हमने इसी बाइक को रखना है, तो इस बाइक को यहाँ पर लाने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे और बाइक लिखेंगे। ठीक है, बॉय ऑन बाइक, जैसे ये क्लिक किया हम यही बाइक लेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इधर थोड़ा सा पीछे रखेंगे। ठीक है, ताकि ये क्लिकेबल हो, ये ना हो कि वो बिल्कुल बाहर चली जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती, वो क्योंकि क्लिकेबल नहीं हो तो ये शो नहीं करेगी पेज पे, माइनर सी तो होनी चाहिए। अब एनिमेट करेंगे इसको, यहाँ पे अपीयर ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे, एनिमेट ऑन क्लिकिंग पे आएंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉ करें, यहाँ पे इसको स्ट्रेट ले जाएंगे। ठीक है, तो जब तक आप उस क्लिक पे नहीं क्लिक करेंगे तो ये आपकी वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से ले जाना। अब इसको स्मूथ कर देंगे, स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, या ज़्यादा तेज़ करना चाहें ज़्यादा तेज़ भी कर सकते हैं। डन किया, तो यहाँ पे अब एक और हम लेते हैं, यहाँ पर हम बच्चों का देखते हैं कि वो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, वो प्ले कर रहे हैं कुछ। हम यहाँ पर सर्च करेंगे गार्डन, यहाँ पे सियाल पे क्लिक करेंगे, ये वाला हम गार्डन लेते हैं और इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको साइज बड़ा कर देंगे। ठीक है, इसको इस साइड से करेंगे ताकि वो दरख्त हमारा एज इट इज रहे। हमने यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है, तो हम ये रख सकते हैं, इसको साइज छोटा कर देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो एक चीज़ ये हो गया हमारी, और उस
यहाँ पर कोई और चीज़ लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। इसमें हम देखेंगे वो वाली चीज़ लेनी है जो मूविंग हो रही हो, ठीक। तो यहाँ पे हम किड्स स्विंग ऑन पार्क एनिमेटेड लिख दिया है और यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें आपके पास आ रहा है एक, और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। इसको हम बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि ये बच्चे यहाँ पे और ये चीज़ यहाँ पे, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगर इन बच्चों को थोड़ा सा साइज बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे इनको भी कर सकते हैं। अगर एनिमेट करना चाहें तो यहाँ पे आप एनिमेशन जो यहाँ पे आपने यूज़ की हुई है ये वाली, तो आप यहाँ पे भी वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लग रही है, जिस तरह की भी एनिमेशन है। ये मैं चैन लव मूव की हुई है, तो यहाँ पे भी आप एनिमेट ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एनिमेशन हो जाती है। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करें, इसको व्यू करें, होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें आगे से आगे, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।